हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हम भी अच्छे हैं। तो आपने पिछला ब्लॉग में देखा होगा कि हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए थे। तो हम वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम खाना वाना खा के हम 2 घंटे रेस्ट किए थे। रेस्ट करने के बाद फिर हमारा ब्लॉग का वहीं पेंड हो गया था। तो हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम यहाँ से अब निकल चुके हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो 5:30 बजे हम अपने धर्मशाले से बाहर आ रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सलासर बालाजी के दर्शन करने। तो आप इस ब्लॉग में बने रहें और आपको अभी कराते हैं सलासर बालाजी का दर्शन। और ये जो देख रहे हैं पीछे, ये सारे हमारे बस वाले ही हैं। तो हम सभी अब धर्मशाले छोड़ के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं सलासर बालाजी के दर्शन करने। तो हमारी बस आगे ही लगी है। अब हम जा रहे हैं बस में बैठने। बस से फिर हम जाएंगे सलासर बालाजी। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने बस के पास। जैसे कि आप देख सकते हैं, पापा जी लोग आगे के जा रहे हैं और साथ में चिंटू भी जा रही है। और ये व्हाइट वाली हमारी बस है। तो अब हम जा रहे हैं बस में बैठने के लिए। और बस में बैठ के फिर हम यहाँ से हमारा फिर सफर शुरू होता है सलासर बालाजी के लिए। अब हम फिर से माता रानी के पास जा रहे हैं। तो फिर मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ आए हैं। और यहाँ हम सब बस में बैठ गए हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं, ये भैया लोग इधर कोल्ड ड्रिंक और वाटर का बोतल जो होता है वो बर्फ़ में डाल रहे हैं ताकि बस में ठंडा रहे। और जो 8-10 घंटे का सफ़र है उसमें हमें पानी की प्रॉब्लम ना हो, क्यों गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। इधर ये लोग पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ हमारी बस अब खुल गई जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम चल पड़े हैं अब यहाँ से सलासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो आप इस ब्लॉग में बने रहें और स्किप करके ना देखें, ब्लॉग को पूरा देखें। और कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखें, जय हनुमान जरूर लिखें। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अगर मेरे ब्लॉग को फर्स्ट बार आप देख रहे हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएँ। और आपको किस टाइप का और ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, मैंने पिछले बार ब्लॉग में भी बोला था, आप बताएं, हम वैसा ही ब्लॉग बनाएंगे। अब यहाँ रात को 8:30 बजे हम उतरे हैं सलासर बालाजी। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब देख रहे हैं काफ़ी रात हो चुका है और चिंटू भी आ गई है। मैंने बोला था कि बस में रुक जाओ, नहीं चल पाओगे। तो बोली नहीं, मुझे भी जाना है। और यहाँ पे एक मंदिर है श्री तिरुपति बालाजी का। शायद कैमरे में सही से नहीं आ पा रहा है। ये श्री तिरुपति बालाजी है। और यहाँ से फिर हम आगे जा रहे हैं मंदिर की तरफ। देखते हैं अगर आगे हमें बैटरी रिक्शा मिल जाएगी तो ले लेंगे, नहीं तो फिर रात के टाइम में नहीं मिली तो हमें पैदल भी जाना पड़ेगा। तो बस हम निकल चुके हैं अपने बस से और जा रहे हैं मंदिर की तरफ। कुछ लोग दर्शन करके आ भी रहे हैं, हम थोड़ा लेट हो गए थे। और यहाँ पर प्रसाद की दुकान है और चिंटू यहाँ बाबा से बातें करते हुए जा रही है।
यहाँ हम पहुँच चुके हैं सलासर बालाजी के मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, हम थोड़ा लेट ही गए थे। और यहाँ बाहर ही प्रसाद की दुकान है, तो यहाँ से हम पहले प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेने के बाद फिर हम अंदर जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम था तो सुबह की आरती हो चुकी थी, लेकिन लास्ट टाइम हम पहुँचे थे तो हम जल्दी जल्दी अंदर जा रहे थे ताकि हमें भी दर्शन हो जाए। और बाकी हमारे जो साथ वाले थे वो आगे चले गए थे, हम थोड़ा पीछे ही थे। बाकी अब लाइन में, अब जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ जय श्री राम के नारा लगाते हुए सब अंदर जा रहे हैं। और अंदर जाने, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो ज़्यादा शूट नहीं हो पाया है, बाहर ही हमने शूट किया है। बाकी थोड़ा सा बालाजी का थोड़ा सा दर्शन हो गया है, आप ही देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और यहाँ से ही पतली सी गली है, इसी रास्ते से अंदर जाना है। लेकिन अंदर जाने के बाद भी काफ़ी बहुत लंबा लाइन था, बहुत टाइम लग गया था हमें, आधे पौन घंटा लग गया था लास्ट टाइम था, फिर भी हमें बहुत टाइम लगा था। और चिंटू भी इधर बाबा के साथ आगे के जा रही है। और इतने लंबे लाइन होने के बाद फिर हम अंदर गए, उसके बाद फिर बालाजी का दर्शन हुआ। बाकी जय श्री राम के नारा लगाते हुए हम अंदर गए थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, हमें लगा दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें दर्शन सही से हो गया। तो हम आ चुके हैं बालाजी के दर्शन करके और हम यहाँ पर अभी चाय पी रहे हैं, और चाय पी के फिर खाना खा के फिर हमारी बस यहाँ से निकलेगी। और पापा दोनों का चाय पी रहे हैं।